हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ के शिक्षकों का समायोजन या स्थानांतरण होना है। ये समायोजन खास तौर पे छात्र शिक्षक अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों किया जा रहा है। ऐसे विद्यालय जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन शिक्षक कम हैं, उन्हें शिक्षक मिलने चाहिए, और ऐसे विद्यालय जहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, वहाँ से शिक्षकों को हटना चाहिए। ये विसंगति और ये दुर्व्यवस्था बुनियादी शिक्षा में बनी है। ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों स्थान पे छात्र के अनुपात में मानक के अनुसार शिक्षक मौजूद नहीं है, और इस दुर्व्यवस्था से विकास खंड स्तर से लेकर के जनपद स्तर से लेकर के प्रदेश के सभी शीर्ष अधिकारी वाकिफ हैं। समायोजन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित पत्र स्कूल शिक्षा महानिदेशक के स्तर से गत वर्ष भी दोस्तों जारी हुए थे, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मूर्त रूप नहीं ले पाई थी। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने जो पहल किया है, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले के भीतर शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, वो पूरी तौर तरीके से हो चुका है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक जनपद से दूसरे जनपद का हो यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, वो भी दोस्तों हो चुका है। शिक्षकों का तबादला भी हो चुका है। शिक्षकों ने अपने पर्सनल रिक्वेस्ट पे कुछ जनपद भरे थे मनोवांछित तौर तरीके से, वो भी हो चुका है। अब सरकार और विभाग की पूरी जो मुहिम है, पूरी की पूरी एकाग्रता है, पूरी की पूरी तन्मयता है इस बात पे लगी है कि बच्चों के हिसाब से विद्यालय को शिक्षक मिले, और ये विसंगति कहीं पे ज़्यादा विद्यार्थी और कम शिक्षक, और कहीं पे कम विद्यार्थी और ज़्यादा शिक्षक, कि ये जो प्रादेशिक दुर्व्यवस्था बनी है, विसंगति बनी है, वो दूर हो। इससे संबंधित जो कदम है, विभाग बहुत ही फूंक फूंक करके दोस्तों रख रहा है। पूरी की पूरी उम्मीद है कि 19 जुलाई तक शिक्षकों का समायोजन, या अगर इसे हम बोलें तो आधिक्य वाले विद्यालय से शिक्षक का जो पलायन है, वो आवश्यकता वाले विद्यालयों में दोस्तों हो जाएगा। कुछ समायोजन से संबंधित नियमावली है, उसको लेकर के शिक्षकों में असंतोष है, रोष है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि लंबे समय से शिक्षक जिन विद्यालयों में जमे हैं, उन्हें उन विद्यालयों से आसक्ति या अटैचमेंट हो गया है, क्योंकि लंबे समय से स्कूलों में जमे रहने से उनको मनो अनुकूल चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। घर से दूरी, क्षेत्र में उनकी पहचान, और भी नाना प्रकार की जो उनको सहूलियत हैं वो दोस्तों मिल जाती हैं। लेकिन विभाग ने कमर कस लिया है, विभाग पूरी तौर तरीके से इस विसंगति और दुर्व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन
असंतुष्ट खेमे के जो शिक्षक हैं वो नियमावली और तमाम ऐसी बातें जो कि सरकार को इस प्रक्रिया को अपनाने से रोक सकती हैं, यानी सरकार की इस प्रक्रिया पे ब्रेक लगाने के लिए ठोस और कारगर तरीके शिक्षक भी दोस्तों ढूंढ रहे हैं। वो माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया को अपने ठोस तथ्यों और तर्कों के आधार पर रोकना चाहते हैं। लेकिन विभाग भी दोस्तों कमर कस चुका है और अब ये देखना है कि शिक्षकों की जो अपनी दलीलें हैं, जो असंतुष्ट शिक्षकों की अपनी दलीलें हैं, वो कितनी कारगर होती हैं। जो ये व्यवस्था है, जो दुर्व्यवस्था विसंगति बनी है, क्या वो दूर होती है या ऐसे ही कायम रहती है। सकारात्मक और विधायक रूप से अगर देखें तो सरकार समायोजन के मामले में जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त भी कर रही है। आज सोशल मीडिया पे एक संदेश प्रसारित हो रहा है, उसकी अथेंटिसिटी जो है, प्रामाणिकता है, महानिदेशक के स्तर पे किसी भी प्रकार का वक्तव्य या सचिव के स्तर पे दोस्तों आया नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो शिक्षकों के अनुकूल हैं। आइए देखते हैं उस संदेश में क्या बातें शामिल हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम शैक्षिक विमर्श और शैक्षिक मुद्दों पर वीडियोज़ लेके आते रहते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों अपडेटेड समायोजन विशेष, ये आज सोशल मीडिया पे एक मैसेज प्रेषित हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या समायोजन का आधार बनेगा, जिसमें कक्षा 5 व कक्षा 8 की छात्र संख्या शामिल रहेगी। वास्तविक छात्र संख्या प्रेरणा पोर्टल से सेशन 2023-24 चुनकर प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षकों के मन में था कि कक्षा 5 के जो बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गत वर्ष की जो प्रेरणा पोर्टल यानी UDAS पोर्टल पे जो छात्र संख्या है 2023-24, कहीं ऐसा ना हो कि जो छात्र कक्षा 5 से पास हो गए हैं दूसरे विद्यालयों में चले गए हैं, तो दोस्तों उन्हें ऐसा ना हो कि उन्हें घटा करके संख्या गिनी जाए। तो ऐसा नहीं है, वो छात्र संख्या गत वर्ष की वही रहेगी, उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे शामिल रहेंगे। मिडिल स्कूल यानी अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 6 से 8 के बच्चे शामिल रहेंगे। तो ये शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि ऐसे ही मीडिया के गलियारे से ये बातें आई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कक्षा 5 के जो बच्चे पास आउट हो गए हैं 8 के, उन्हें घटा करके संख्या न शामिल किया जाए। तो दोस्तों परेशानी की बात नहीं, कक्षा 1 से 5 तक गत वर्ष का जो नामांकन है, जो आपकी UDAS पोर्टल पे आपने संख्या दे रखी है प्रेरणा पोर्टल पे, उसी को चुना जाएगा। अब कंपोजिट स्कूल में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में अलग अलग सरप्लस चिन्हित किए जाएंगे। पहले ये था कि कंपोजिट स्कूल में कैसे करेंगे, कंपोजिट स्कूल में 30 जो बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का मानक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का मानक है। तो कंपोजिट स्कूल में प्राइमरी का जो शिक्षक का विंग है वहाँ अतिरिक्त अलग से देखेंगे, और उसी जो कंपोजिट है उसमें उच्च प्राथमिक में अलग अलग सरप्लस शिक्षक देखे जाएंगे। समायोजन का आधार जिले की सेवा अवधि मानी जाएगी, ना कि विद्यालय स्तर की। तो समायोजन का जो आधार बनेगा वो लेंथ ऑफ सर्विस इन द डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, ना कि स्कूल की सीनियरिटी मानी जाएगी। तो समायोजन का दोस्तों जो आधार रहेगा वो किसी भी व्यक्ति की जो सेवा अवधि है वो डिस्ट्रिक्ट की मानी जाएगी, ना कि स्कूल की। 25 विद्यालय का विकल्प जिला स्तर का होगा, ना कि ब्लॉक स्तर का। ये बड़ी बात है, कोई किसी विकास खंड में है तो जो भी 25 स्कूल का रहेगा, पूरे जिले में, एक जिले में कई विकास खंड होते हैं,
तो ये 25 स्कूल का जो ऑप्शन रहेगा वो किसी, मान लीजिए कोई किसी भी विकास खंड में शिक्षक है, तो जो ऑप्शन 25 स्कूल्स के लिए जाएंगे वो उसी विकास खंड के नहीं होंगे, बल्कि पूरे ज़िले में जितने भी विकास खंड हैं। अगर मान लीजिए कि किसी भी ज़िले में 5 विकास खंड हैं, तो प्रत्येक विकास खंड से आप 5-5 स्कूल चुन सकते हैं। आपको 25 स्कूल देने हैं। सबसे पहले सरप्लस स्कूलों से इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं को हटाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरप्लस जो स्कूल हैं वहाँ पे जो इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जिन स्कूलों में काम कर रहे हैं वो अपने स्कूलों से संतुष्ट हैं। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक निहितार्थ हैं दोस्तों, वो ये है, इसका भले ही लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं कि कौन इच्छुक है, ऐसा नहीं है। इस समायोजन में लोग इच्छुक भी हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ से शिक्षक हटना भी चाहते हैं, वो विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण हो, भौतिक वातावरण हो, या चाहे जो भी बात हो, शिक्षक की अपनी इच्छा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नियम है, जो भी लेटेस्ट आया है, वहाँ ये बात हो रही है कि सबसे पहले जो हटेंगे वो सरप्लस स्कूलों से इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं को हटाया जाएगा। बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि म्यूचुअल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं ले पाए और वो सरप्लस की कैटेगरी में हैं, तो उनको ज़िले के भीतर जो 25 स्कूल हैं उनको अगर ऑप्शन मिलता है और वो कहीं किसी ऐसे स्कूल में हैं जहाँ पे उनकी जो सिचुएशन है, मन की और वाह स्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, सीधी सी बात है वो वहाँ से हटना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो तथ्य दिया गया है कि सबसे पहले सरप्लस स्कूलों से इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं को हटाया जाएगा, तो ये बड़ी बात है। मॉडल प्राइमरी स्कूल में भी सामान्य प्राइमरी स्कूल की तरह समायोजन होगा। दोस्तों तो अंग्रेजी माध्यम के मॉडल प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पे ये जो समायोजन की प्रक्रिया होगी वो सामान्य प्राइमरी स्कूल की तरह ट्रीट होगी। यहाँ पे कुछ अलग सा विषय नहीं रहेगा कि ये मॉडल स्कूल हैं, और सीधी सी बात है बहुत से शिक्षक इससे पूर्व भी इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूलों में उन्होंने कार्य किया था, उन्हें अंतर जनपदीय तबादले का लाभ मिला। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में शिक्षक हों, तो किसी भी जनपद में जहाँ पे वो गए हों तो इंग्लिश मीडियम में ही जाएं, ऐसा कोई नियम दोस्तों नहीं है, उन्हें सामान्य स्कूल भी मिले हैं। तो समायोजन भी सामान्य प्राइमरी स्कूलों की तरह होगा, यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2010 एवं 2014 में निहित प्रावधानों के अधीन नियमानुसार की जाएगी। अब ये नियमावली काम करेगी, समायोजन की जो ऑलरेडी प्रीवेलेंट नियमावली रही है, प्री एग्जिस्टिंग जो नियमावली है, ऐसा नहीं शून्य से समायोजन की शुरुआत होगी। तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि कोर्ट की ओर रुख करने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रखे हैं, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की समायोजन की या अंतः जनपदीय स्थानांतरण की सरकार के पास नियमावली नहीं है। दोस्तों सरकार के पास सारी नियमावली है, सरकार उसी के दृष्टिगत काम कर रही है। अब ये बात ज़रूर है कि इससे पहले इच्छा शक्ति उस तौर तरीके की नहीं रहती थी और स्वैच्छिक काफ़ी चीज़ें थी, कुछ शिक्षक समायोजन की प्रक्रिया में चले जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया चूँकि पोर्टल पे है और मैंडेटरी है, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के अधीन है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया पे शीर्ष स्तर के अधिकारी अपनी नज़र रखे हुए हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया समदर्शी होगी और राज्य स्तर पे होगी, हर जनपद में जो प्रक्रिया है उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। ऐसा नहीं है कि एक जनपद में जो प्रक्रिया होगी दूसरे जनपद में अलग होगी, पूरी की पूरी प्रक्रिया में यूनिफॉर्मिटी होगी। और अब दोस्तों यही देखना है कि सरकार की इच्छा शक्ति 19 जुलाई तक आपको समायोजन
दे देने की है। अब ये समायोजन की प्रक्रिया में तमाम शिक्षक शिक्षिका माननीय न्यायपालिका की शरण में भी जाएंगे, क्योंकि वो असंतुष्ट खेमे के हैं, उनको अपने विद्यालयों में रहने हैं और वहाँ की जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त करने हैं। कुछ उनके तथ्य भी तार्किक हो सकते हैं, तथ्यात्मक हो सकते हैं, उनकी बातें, उनकी जो दलीलें हैं माननीय हाईकोर्ट के पास रखी जाएंगी और माननीय हाईकोर्ट अगर उनकी बातों से संतुष्ट होता है तो सरकार की प्रक्रिया को बाधित करने का भी निर्णय दोस्तों हो सकता है। लेकिन ऐसी संभावना सरकार की जो गति है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसको देखते हुए दोस्तों कम ही दिखती है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तौर तरीके से ये प्रक्रिया या समायोजन की जो गाड़ी है वो किधर दोस्तों रुख लेती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।